हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। मैं इस वाले वीडियो में आपके लिए लेके आया हूँ फ्लो चार्ट और एल्गोरिथम का एग्जांपल्स। इसमें मैंने 3 नंबर्स दिए हैं और 3 नंबरों में से बड़ा नंबर निकालने के लिए मैं एल्गोरिथम और फ्लो चार्ट आपको बता रहा हूँ। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पर हमने देखो, पहले मैं एल्गोरिथम की बात कर लेता हूँ। हमने स्टार्टिंग कहाँ से किया हुआ है, पहले हमने लिखा स्टार्ट। स्टार्ट करने के बाद क्या लिखा, इनपुट ए बी सी। हमने 3 नंबर्स लेनी है, 3 नंबर्स वेरिएबल लेने के बाद, यानी कि हमें ग्रेटर नंबर इनपुट करवाना है। तो आप चाहो इनमें वैल्यू भी सेट कर सकते हो और विदाउट वैल्यू के भी आप वेरिएबल्स को प्रिंट कर सकते हो, ठीक है। तो हमने क्या लिखा, 3 नंबर्स वाला भी हो जाएगा और वेरिएबल्स वाला भी हो जाएगा। तो हमने जो प्रोग्राम्स बनाया है 3 वेरिएबल में से, बड़ा वेरिएबल निकालने के लिए प्रोग्राम्स हैं। और आप चाहो तो 3 नंबर के लिए जैसे ए की वैल्यू सेट कर लो 5, बी की वैल्यू सेट कर लो 8 और सी की वैल्यू सेट कर लो 4। ये मैंने वैल्यू सेट की। अब वैल्यू आप कोई से भी ले सकते हो जो आपको अच्छी लग रही हो। मैंने ए और बी की वैल्यू ले ली, ठीक है। आप चाहो तो कोई सी नंबर ले लो, यहाँ पर 10 ले लो, यहाँ पर 15 ले लो, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, इस वैल्यू को हम देख लेते हैं। इफ ए बड़ा है बी से, ए बड़ा है बी से, जैसे कि 5 बड़ा है 10 से, कंडीशन यदि यस है, कंडीशन देन यस, तो क्या करेगा, चेक करेगा ये ए बड़ा है सी से, मतलब इसमें कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स हो गई। कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स हो गई। तो अब यहाँ पे चेक करेंगे बी बड़ा है सी से, बी बड़ा है सी से। अब यहाँ पे बी इज ग्रेटर देन सी, नो कंडीशन में आएगा ये। तो बी में कितना ले रखा 10 और सी में कितना ले रखा 15, ये भी कंडीशन क्या गई, फॉल्स हो गई, ठीक है। तो प्रिंट क्या करेगा, वो सी करेगा, यानी कि सी में वैल्यू कितनी रखी है 15, सी में वैल्यू क्या रखी है 15 रखी है, और क्या होगा वो स्टॉप हो जाएगा। मतलब कि इन तीनों नंबरों में से बड़ा नंबर क्या मिल गया हमें, 15 नंबर मिल गया। मिल गया कि नहीं मिल गया, इसी की अकॉर्ड, मतलब ये वेरिएबल्स की हमने वैल्यू इनपुट कराएं, इसके अकॉर्डिंग ये आंसर मिलता है। अब वेरिएबल के अकॉर्डिंग देख लो कि वेरिएबल के अकॉर्डिंग क्या होता है, उसके अकॉर्डिंग मैं आपको एग्जाम्पल बता देता हूँ। ए हमने क्या लिया है, ए बड़ा है बी से, देन यस कंडीशन यदि ट्रू होगी तो हमें ए वेरिएबल को सी से भी चेक करवाना पड़ेगा। फिर हम चेक करवाए ए बड़ा है सी से, अब ये कंडीशन भी ट्रू है देन यस, तो क्या करें प्रिंट ए, यानी कि ए बड़ा है बी से, इसमें भी कंडीशन ट्रू है, ए बड़ा है सी से, मतलब दोनों वेरिएबल से बड़ा है, तो प्रिंट क्या हो गया, ए हो गया। अच्छा प्रिंट हमारा क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, वो स्टॉप हो जाएगा। जब दोनों कंडीशन में फॉल्स हो जाएंगे अदरवाइज, यानी कि फॉल्स हो गई, तो हम कहाँ जाएंगे, दूसरे वाले लूप पे जाएंगे। बी बड़ा है सी से, हमने चेक करवाया है इसमें बी बड़ा है सी से, अगर इसमें कंडीशन ट्रू है तो प्रिंट क्या हो जाएगा, बी, हमें इसे चेक करवाने की जरूरत नहीं है उसे, ठीक है। अदरवाइज क्या होगा, प्रिंट सी, अदरवाइज क्या होगा, बी बड़ा है सी से। जब बी बड़ा नहीं है ए से और बी बड़ा नहीं है सी से, तो बड़ा कौन कहलाएगा, सी कहलाएगा बड़ा। तो हमने क्या लिखा यहाँ पर, प्रिंट सी। तो वैल्यू क्या आएगी तुम्हारी, वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट होगी सी, ठीक है। तो हमारे क्या हो गए, 3 वेरिएबल्स के लिए मैंने आपको समझा दिया। अब हम बात करते हैं फ्लो चार्ट्स के, आ जाते हैं फ्लो चार्ट्स के बारे में आपको समझा देता हूँ। फ्लो चार्ट्स क्या है, हमने क्या किया, स्टार्ट किया, इनपुट करवाया ए बी सी, 3 वेरिएबल इनपुट करा दिए। इफ ए बड़ा है बी से, कंडीशन में ट्रू या फॉल्स होगा, या तो यस होगा या नो होगा, तो हम पहले यस पे जाएंगे। तो क्या होगा, ए को हमें सी से भी चेक करवाना पड़ेगा। तो हमने ए बड़ा है सी से, कंडीशन चेक करवाई ट्रू है, तो क्या करें प्रिंट ए, यानी कि हमने ए को दोनों से चेक करा लिया, बी से भी करा लिया और सी से करा लिया। अब पार्ट आता है जैसे मान लो दोनों कंडीशन फॉल्स आती है, मान लो यहाँ पर ए वेरिएबल बड़ा नहीं है बी से, क्या मतलब नो पर है, तो नो पर तो चेक करवाएंगे, अब बी और सी के लिए चेक करवाएंगे। अब बी बड़ा है सी से, तो कंडीशन क्या आएगी, ट्रू आएगी, तो प्रिंट बी कर देगा और वैल्यू क्या होगी, स्टॉप हो जाएगी। इस कंडीशन में नो होगा तो क्या होगा, प्रिंट सी, यानी बी बड़ा नहीं है सी से, तो बड़ा कौन है, सी बड़ा वेरिएबल है, तो प्रिंट करेगा सी और क्या होगा, स्टॉप हो जाएगा। ये छोटा सा लॉजिक है आपको 3 नंबर्स में बड़ा नंबर निकालने के लिए और 3 वेरिएबल में से बड़ा वेरिएबल निकालने के लिए। ओके स्टूडेंट, आई होप, आशा करता हूँ आपको ये वीडियो का कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। और मैं आपको ये जानकारी देना चाहूँगा, जितनी भी सारी मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ उन्हें मैं अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड भी कर देता हूँ। हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है टेक्निकल कंप्यूटर क्लासेस बाय राहुल गुप्ता सर। आप हमारे चैनल पर आके सभी वीडियोज़ को देख सकते हैं, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।